रामेश्वरम की स्थापना की गई थी। दक्षिण उस क्षेत्र में शैव शिव की भक्ति निष्ठा रखने वाले रावण के अतिरिक्त दूसरे कोई पुरोहित नहीं थे। हनुमंत लाल जिस शिला को पिंडी को लेने गए थे वो पहले ही चले गए थे। जामवंत जी के द्वारा यह निश्चित किया गया पुरोहित श्री राम के पुरोहित रावण होंगे। जामवंत जी ने जब समाचार दिया तो रावण आनंदित हुए, कोई तो निकला मेरी शिव भक्ति को मान्यता देने वाले। रावण गए मैथिली, तुम्हारे श्री राम ने मुझे अपना पुरोहित निश्चित किया है। मैथिली ने कहा उनका चयन उचित ही है, लेकिन यजमान जब कार्य करता है तो किसी उपकरण की, किसी सामग्री की, किसी व्यवस्था की कमी ना रह जाए, उसकी जिम्मेदारी पुरोहित की ही होती है, और बिना भारिया के अनुष्ठान तो संपन्न हो नहीं सकता। तो वैदेही आप मेरी बंदनी रहेंगी, लेकिन उस पार जाना होगा। सेतु बांध लिया गया ये तो रावण ने देखा तो बहुचक देखते ही रह गए। रथ उस पार खड़ा है और यहां भगवान ने लंकेश्वर को खड़े होकर प्रणाम किया। मैं दाशरथी राम आपको प्रणाम करता, आयुष्मान भव समर विजयी भव, आशीर्वाद रावण ने दिया। समय बीता जा रहा है और आपके समस्त उपकरण तो कहां है, आपकी आपकी पत्नी। तो राम प्रभु बोले लंकेश जानते हैं तो फिर समस्त उपकरणों की व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है। मैथिली को बुलाया जाए, मैथिली आई नतमस्तका। मैथिली पिंडी लेकर, तब तक हनुमंत लाल आए नहीं, इसीलिए बालुका से ही पिंडी को निर्मित किया गया ताकि शुभ मुहूर्त में भोले बाबा की स्थापना हो। पिंडी का अभिषेक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ संपन्न हो गया। तो रावण ने श्री राम से दक्षिणा मांगी, मेरी दक्षिणा। प्रभु ने कहा मैं अकिंचन हूं, अनिकेतन हूं। तो विश्व विजयी लंकेश्वर के लिए कोई द्रव्य, कोई स्वर्ण, कोई चांदी तो नहीं चाहिए ना श्री राम, मेरी दक्षिणा में मुझे आपका वचन चाहिए। जब समर भूमि में मैं मृत्यु का लिंगन करूंगा तब आप मेरे सम्मुख आकर खड़े हो जाइएगा, यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरा प्रसाद। सारी प्रक्रिया संपन्न हुई, मैथिली चुपचाप रथ में बैठकर वापिस लौट आई। हनुमंत लाल आए, उन्होंने देखा कि यहाँ सारा कार्य संपन्न हो चुका है। वे रुष्ट हुए, क्रोधित होकर उन्होंने भूमि पर पैर को मारा। हनुमंत लाल इतने रोष में हो, इतने फिर इस पिंडी को उखाड़ लो। स्वयं भगवती जानकी के हाथों से स्थापित वो पिंडी पुच्छ से लपेट के हनुमंत लाल कोशिश करते रहे, थोड़ी सी पुच्छ उनकी विच्छिन्न हो गई। भगवान ने कहा हनुमंत लाल आप व्याकुल मत हो, रामेश्वरम में जो भी आएंगे पहले आपके द्वारा स्थापित की गई, लाई गई पिंडी का पूजन होगा, फिर मेरे द्वारा स्थापित पिंडी का पूजन होगा। अब प्रभु ने कहा कि जो भी रामेश्वरम आएंगे मेरा धाम मेरा साकेत उनको प्राप्त होगा, और जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम पर समर्पित करेगा, अभिषेक करेगा, रिद्धि सिद्धि उसके पीछे पीछे चलेगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने अपनी वाणी से दिया। उस महासमर की कथा आप जानते हो, जिनके वाण से संसार के समस्त सागर सोखे जा सकते हैं। उन्होंने मनुष्य बानर वृक्षों के बल और गौरव को जागृत करने के लिए सेतु बांधने की लीला की थी। इस देश में राम ने सेतु बनाया इसका प्रमाण मांगा जा रहा था,
हमने कहा राम नहीं है नारा, वो विश्वास है भौतिकता की नहीं, दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी संतों या साधु पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओ को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। तुम देख सको तो देखो, तुम्हें दृष्टि दोष है, तुम्हें मोतियाबिंद है, तुम्हारी आंखें फूटी हैं, हृदय की आंखें बंद हैं, दिव्य दृष्टि है नहीं, देख कैसे पाओगे। राम मिले तटों में बनवासों में, राम मिले हैं केवट के वन विश्वासों में। राम मिले अनसुईया माँ की पावनता को, राम मिले कौशल्या माँ की ममता को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। राम मिले शबरी के जूते देरों, जहाँ सौमनस्यता यहाँ सौहार्द है, जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, जहाँ आदर्शों का उत्कर्ष है, जहाँ भावों का अतिरेक है, जहाँ शबरी जैसी प्रतीक्षा है, जहाँ शापित होके भी राम रज को पाने की चाह है, जहाँ पक्षी होकर भी दसियों की विरुद्ध आवाज उठाने का साहस है, और जहां गुरु ने दुत्कार दिया जा भगवान को मेरे लिए लेकर आ, ऐसे सुतीक्षण सरभंग जैसे शबरियों और कोलों भीलों बानरों रिक्षों, ऐसे वो सब सुहृदयगण सहज रूप से राम को अपने आसपास ही पाते हैं, अपने हृदय में ही पाते हैं। वो रामत्व क्या है? वो राम शरशैया समरशैया पे सोए हुए लेटे हुए श्री लक्ष्मण को रावण से उपदेश लेने के लिए श्री राम भेजते हैं। यह है रामत्व। शत्रु में भी कोई सद्गुण हो तो उसे स्वीकारना चाहिए। पर लखन जो है रावण की पैरों की तरफ गए तो उसने आंखें नहीं खोली, चरणों सिर की तरफ खड़े हुए लौट आए, वे तो आंखें बंद किए। तो भगवान बोले, जब कुछ प्राप्त करना होता है तो विनम्रता चाहिए, नम्रता चाहिए ना। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आगे झुक जाते हो, और जब पहाड़ से नीचे उतरते हो कैसे उतरते हो बोलो? जब चढ़ते हो तो ऐसे हो जाते हो ना, और जब उतरते हो तो ऐसे हो जाते हो। जब आकड़ जाते तो समझ में आता है कि अब इनका जीवन पतन की तरफ जा रहा है। और जब झुक के चलते हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, हिमालय पे चढ़ रहे हो, उत्कर्ष की तरफ जा रहे हो, विनम्रता और झुकना ये आपके उत्कर्ष की पहचान है, और अकड़ना ये हमारे पतन की पहचान है। कुछ प्राप्त करना है तो विनम्रता चाहिए ना। बातचीत भी ऐसे करते हैं कि लगता है जैसे लठ मार रहे हैं। अब आप एक ऐसी चीज दे, आप लीजिए ले लो, पता चलता है कि जरा विनम्रता नहीं, सौहार्द नहीं, प्रीत नहीं, जरा सहज हो जाओ ना लखन लाल। वो चरणों की तरफ जाके खड़े, रावण ने आंखें खोली। लखन तुम समझते हो कि पराजय मेरी हुई? रावण ने कहा, पराजय मेरी नहीं हुई लखन, पराजय श्री राम की हुई है। जब तक मैं जीवित रहा मैंने श्री राम को अपनी पुरी में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अब मैं श्री राम के सामने उनके साकेत धाम में प्रवेश करूंगा तो मेरी पराजय कहाँ हुई, मेरी तो विजय हुई है ना। बहुत अद्भुत ज्ञान है वो, उसकी बात करने बैठेंगे तो महीनों बीत जाएंगे। बात तो ये है कि भगवती जानकी वंदनी नहीं रही, लंका भी भीषण की होगी। रावण ने किसी की नहीं मानी, 10 लोगों ने उपदेश दिया था, लेकिन विभीषण ने हनुमान की मान ली। जो विभीषण होता है वो उपदेश स्वीकार करता है, जो भीषण होता है वो उपदेश स्वीकार नहीं करता है। जानकी जी को जब लाया गया तो शिविका से वे उतरी। श्री राम ने कहा, मैथिली सारे संसार की दृष्टि से
तुम्हें अपनी प्रमाणिकता को निश्चित करना होगा। बहुत विचित्र, बड़े बड़े कठोर, बड़े क्रूर दिखाई दे रहे हैं प्रभु। उस शब्दों को सुनकर सारा सारा बानर दल व्याकुल हो गए। हाय हाय, ये क्या हो रहा है प्रभु, इतने कठोर क्यों हो गए? परीक्षा होगी। प्रभु के वचन शीश धारी सीता बोली मन क्रम वचन पुनी लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रगट कराओ तुम बे। जानकी की तरफ कुदृष्टि रखने वाला रावण भूलुंठित हुआ, मिट्टी में मिला। राम विरोध करने वाले का ऐसा हाल हुआ कि कोई कुल में रोने वाला भी ना बचा। वे जानकी, सारा संसार देख रहा है, वे अग्नि में प्रवेश करने जा रही है। बानर कुल के सब सोचते हैं कि हमारी भारियाएं पूछेंगी कि अरे जिस जानकी के लिए तुम सागर पे सेतु बांध के लंका की छाती पे चढ़ गए थे, वो जानकी कहाँ है? ये क्या हो रहा है? सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज हो, नेत्रों में प्राण आ गए। सब भगवती जानकी का दर्शन कर रहे। लक्ष्मण देख कर व्याकुल हो गए। पावक प्रकट हुई, पावक प्रबल देख वै देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो प्रमाणिक होते हैं ना, उनको जगत के लांछनों की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मना एक होते हैं। अग्नि प्रकट हुई, भगवती जानकी ने कहा कि अगर मैंने मन वचन कर्म से प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी पुरुष की तरफ कभी कामना की दृष्टि से ना देखा हो तो हे अग्नि देव, मेरे लिए श्री खंड की तरह शीतल हो जाइए। देखते ही देखते भगवती अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि देव प्रकट हो गए। हे दाशरथी राम, मैं पावक हूं, मुझे संसार पावक बोलता है क्योंकि मैं कचरे को जला के पवित्र कर देता हूँ। किंतु भगवती वैथली जानकी वैदेही के पीताम्बर का एक धागा भी जला देने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। आज माता का स्पर्श पाके मैं स्वयं पवित्र हो गया, मैं स्वयं धन्य हो गया। वर्षई सुमन हर्ष सुर बाजई गगन निशान, गावई किन्नर सुर वधु नाचई चढ़ी विमान। जैसे ही भगवान ने भुजाएं फैलाई, आओ मैथिली, आओ वैदेही, आओ जनक नंदिनी, मैं दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता हूँ। सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, जय जयकार हुई है। प्रभु को यह फिक्र है कि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत अग्नि में स्नान कर लेगा, इसीलिए विभीषण का अभिषेक हुआ है। प्रभु ने स्वर्णमयी लंका की तरफ झांका नहीं है। मेरे प्रभु के प्रयाण, उनके अभियान, उनके प्रस्थान, युद्ध और समर की भूमिकाएं राज सत्ता हथियाने के लिए कभी नहीं रही हैं। आर्य संस्कृति का प्रचार करने के लिए और आर्य भारिया, अपनी भारिया आर्य कुल की देवी के मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने रावण को भू लुंठित कर दिया है। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के मान सम्मान की बड़ी महिमा है। उसके लिए चाहे महाभारत की रचना रचनी पड़े,
उसकी तैयारी हम भारतीयों में रहती है। हृदय में गीता है, हाथ में रामायण है, रोम रोम में राम है। क्या है हम भारतीयों की पहचान? कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, राम राज्य भी लाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, राम राज्य भी लाएंगे। पुष्पक विमान के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान अयोध्या आए थे। और आप जानते हो सभी को सब रूपों में मिले भगवान, उतने ही रूप बना लिए ठाकुर ने जितने भक्तों के रूप थे। सबको गले लगाया, भरत को विरह अग्नि से उभारा, माता कैकेयी के जितने अपराध बोध थे उनसे उनको मुक्त किया। और मेरे ठाकुर का राज्याभिषेक हो रहा है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंबरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।